चलिए फिर पार्टनरशिप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको सॉल्व कराते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है पढ़िए जरा। कहता है द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप हैज बिन डिफाइंड डैश ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, यानी जो टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप है वो किस एक्ट में डिफाइन की गई है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 या सेक्शन 6। द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 4, क्योंकि इसी सेक्शन 4 में आपको बताया गया था टू आर अ मोर पार्टनर हैविंग द बिजनेस विद द लीगल ऑफ विद द अर्निंग शेयर ऑफ द प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, कैरिंग द बिजनेस विद ऑल और एक्टिंग फॉर द बिजनेस फॉर ऑल। चलिए तो पहले वाले का आंसर किसका आ गया भाई, सबका आ गया सेक्शन 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जरा देखेंगे। कहता है अ पार्टनरशिप ऑफ विच नो पीरियड और ड्यूरेशन इज अ फिक्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नोन एज, यानी एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कोई भी ड्यूरेशन और पीरियड फिक्स नहीं है उसको आप क्या कहेंगे। ऑप्शन है अनलिमिटेड पार्टनरशिप, को ऑनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एट विल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, पार्टनरशिप एट विल, को ऑनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी या पर्टिकुलर पार्टनरशिप आंसर नहीं है। चलिए फिर अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। और तीसरा क्वेश्चन कहता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द पार्टनरशिप इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पार्टनरशिप का क्या है। पहला बिजनेस, दूसरा शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, तीसरा एग्रीमेंट या फिर चौथा बिजनेस टू द कैरिड बाई ऑल और एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। देखा जाए तो ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, देखा जाए तो ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, सही है कि नहीं है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछ रहा है यहाँ पे, यानी जिसके बिना बाकी सब अधूरे हो जाएं। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, एग्रीमेंट, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट और बिजनेस इज नॉट कैरिंग फॉर ऑल वाला कॉन्सेप्ट ही लागू नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है द फर्म इज द नेम ऑफ, द फर्म इज द नेम ऑफ, फिर कहता है अ पार्टनर, अ माइनर इन द फर्म, फिर कहता है अ बिजनेस अंडर विच द फर्म कैरी ऑन द बिजनेस या कलेक्टिव नेम अंडर विच इट कैरी ऑन द बिजनेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। कहता है फर्म का नाम क्या है, क्या क्या होना चाहिए देखा जाए एक तरीके से। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका भाई, ये रहा। कहता है द कलेक्टिव नेम अंडर विच इट कैरी ऑन अ बिजनेस। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द पर्टिकुलर वेंचर, आज की क्लास में इसको डिस्कस किया है, इसको आप क्या कहेंगे कि आप कोई भी पार्टनरशिप बना रहे हो किसी भी पर्टिकुलर वेंचर या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको आप क्या नाम दोगे। लिमिटेड पार्टनरशिप, स्पेशल पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि पर्टिकुलर वर्क के लिए ये कैरी हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता है इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट टू द कंट्ररी ऑल द पार्टनर आर नॉट इंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट, इंटाइटल टू शेयर इन कैपिटल रेशियो, इंटाइटल टू शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एज या फिर इंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, इक्वली, अपने प्रॉफिट को आप इक्वली क्या करेंगे, बांटेंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है अ पार्टनरशिप एट विल इज वन, इसमें से कौन सी पार्टनरशिप एट विल पर बनी है। पहला कहता है विच डज नॉट हैव एनी डीड, विच डज नॉट हैव एनी पार्टनर, विच डज नॉट प्रोवाइड हाउ लॉन्ग द बिजनेस विल कंटिन्यू, विच कैन नॉट बी डिजॉल्व। इसका करेक्ट आंसर क्या है जरा सोच के बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी,
क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं है फिर, वो आपकी ओरल पार्टनरशिप है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दूसरा वाला पार्टनर नहीं है तो फिर पार्टनरशिप नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। कौन सा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है? कहता है देयर मस्ट बी द एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी द एग्रीमेंट इंटर्ड इन टू बाई ऑल द पार्टनर। एग्रीमेंट मस्ट बी शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एग्रीमेंट मस्ट स्टार्ट विथ इन 6 मंथ ड्यू टू द डेट ऑफ द एग्रीमेंट, सॉरी द बिजनेस मस्ट बी स्टार्ट। फिर कहता है द बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाई ऑल द पार्टनर या एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? नॉट इसेंशियल पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं था कि एग्रीमेंट होने के 6 महीने बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। फिर कहता है इसमें देखिए, कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन विच अराइज आर ऑपरेशन ऑफ द लॉ, एग्रीमेंट, स्टेटस या ऑलमाइटी। क्या है आपका? आपका करेक्ट आंसर क्या है? एग्रीमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। परपेक्चुअल सेसेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, म्यूचुअल एजेंसी, शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? देखिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप है भैया, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट है, म्यूचुअल एजेंसी है, बस क्या नहीं है? परपेक्चुअल सेसेशन नहीं है। क्योंकि परपेक्चुअल सेसेशन का मतलब ये था कि पार्टनर के रहने से बिजनेस चलेगा, पार्टनर के नहीं रहने से बिजनेस नहीं चलेगा। और परपेक्चुअल सेसेशन वाला जो फीचर है वो कंपनी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, जिसमें साफ साफ कहा जाता था कि मेंबर के आने और मेंबर के जाने से कंपनी के स्वास्थ्य पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ द पार्टनरशिप पार्टनर आएगा तो भी इफेक्ट होगा और पार्टनर जाएगा तब तो इफेक्ट होगा ही होगा। ये फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है सेलेक्ट सेलेक्ट द ऑड, ध्यान दीजिएगा ये शब्द क्या लिखा है, ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है? तीन एक जैसा, एक एकदम अलग। तीन एक जैसा और एक क्या है आपका? एकदम अलग। और जो एकदम अलग है वही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑड के ऑड का मतलब यही होता है। कहता है कि सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन फॉर द इंटाइटलमेंट ऑफ द पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। पहला कहता है कि ही इज द इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट ओनली। दूसरा He is a liable for the losses of the firm. He is a not liable for the losses of the firm. He is a liable to the third party for act of the profit only. क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लॉस भाई प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबल है, लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये भी सही है। थर्ड पार्टी के प्रॉफिट के लिए खाली हम क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जल्दी से। कहता है मिस्टर पवन इज द नॉमिनल पार्टनर। अभी आज की क्लास में ही बताया नॉमिनल कौन होते हैं, जो सिर्फ अपना क्या देते हैं, नाम देते हैं। कहता है ही इज अ नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। कैन टेक अ पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म। जरा सोच के इसका आंसर दीजिए, बताइए। मिस्टर पवन इज अ नॉमिनल पार्टनर इन द फर्म। द फर्म शो इज इट ही इज नॉट इंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट। ये सही है, ये आपका क्या है? दूसरा ही इज एंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट नहीं लेगा। ये कैन टेक द पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये भी नहीं करेगा।
ही इज अ नॉट रिस्पॉन्स नॉट लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट, ही इज द रिस्पॉन्सिबल, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और ये वाला प्रॉफिट वाला समझ में आ गया? हाँ ठीक, आगे देखेंगे। फिर कहता है वेयर when the partnership entered into the fixed term is a continue after the expiry of such term, it is treated having become a, मतलब क्या है कि एक फिक्स पीरियड के लिए आपने पार्टनरशिप बनाया था, वो फिक्स पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद भी आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर द फिक्स पीरियड, पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, या फिर जनरल पार्टनरशिप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पार्टनरशिप एट विल। आज ही की क्लास में इसको डिस्कस किया है, लिखवाया भी था, वो बोल के मैंने कहा भी था इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है मिस्टर समर्थ रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म विदाउट गिविंग द पब्लिक नोटिस एंड हिज नेम कंटिन्यू used in the letterhead of the firm, Mr. Samarth is liable or not liable? Liable, 100% liable. Liable as a partner, responsible, या liable for the retired partner? Correct answer क्या होगा? Liable as a partner. बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। Dormant partner क्या होता है? इसको क्या बताया था मैंने? ये हमारा क्या, कौन सा partner होगा आपका? Sleeping partner भी होगा, बताइए। कहता है नॉट रिक्वायर टू गिव द नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, रिक्वायर टू गिव द नोटिस ऑफ रिटायरमेंट, नॉट लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म, डज नॉट शेयर द प्रॉफिट और लॉस, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, इसको रिटायर होने का कोई भी पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बेटा, इसी के साथ आपका ये पार्टनरशिप का, नेचर ऑफ पार्टनरशिप का एमसीक्यू भी यहीं पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो चलिए फिर अब कुछ और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिनको हम देखेंगे।